सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा के पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज में पंजाब सरकार की ओर से भाई कन्हैया जी मानव सेवा दिवस को समर्पित एक राज्य स्तरीय विशाल समारोह राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज की अगुवाई में करवाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के तौर पर पंजाब के माननीय सेहत मंत्री श्री ब्रह्म मिंद्रा व माननीय जंगलात मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत ने शिरकत की। इस मौके पर समारोह की शुरुआत से पहले माननीय मंत्री साहबान पटेल कॉलेज में लगाए गए विशाल रक्तदान शिविर की शुरुआत करने पहुँचे, जहाँ उन्होंने लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए रक्तदान कर रहे रक्तदानियों का हौसला बढ़ाया व उन्हें सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विशेष तौर पर पटियाला के डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित, राजपुरा के SDM श्री संजीव कुमार, राजपुरा के DSP श्री कृष्ण कुमार पांथे, तहसीलदार हरसिमरत सिंह, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री, समाज सेवी SP ओबराय, प्रोफेसर बहादुर सिंह, समाज सेवी प्रदीप नंदा ने भी इस समारोह में अपनी हाजिरी लगवाई। इस मौके पर माननीय मंत्री जी की ओर से रक्तदान व आंखें दान करने के लिए एक मेडिकल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके बाद मुख्य मेहमान द्वारा जरूरतमंद व बेसहारा 50 लोगों में राशन व कपड़े भी बांटे गए। इस अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से 2 बुजुर्ग लोगों की आंखों के ऑपरेशन करवा उनमें लोगों द्वारा दान की गई आंखें डालकर उन्हें देखने योग्य बनाया, जिनकी आज मंत्री साहबान की ओर से आंखों की पट्टी उतारी गई। जिन 2 लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं उनमें फतेहगढ़ साहब की महिला छन्नो देवी व गांव रखड़ा के रहने वाले बारा सिंह हैं, जिन्हें आंखों की रोशनी मिली। इस अवसर पर समाज सेवी प्रदीप नंदा SP ओराय, प्रोफेसर बहादुर सिंह, पटेल कॉलेज के सेक्रेटरी श्री महेंद्र कुमार सैगल, पटेल कॉलेज की छात्रा शरणजीत कौर, राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज, माननीय मंत्री श्री ब्रह्म मिंद्रा व माननीय मंत्री सरदार साधु सिंह धर्मसोत ने भाई कन्हैया जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा की गई सेवाओं को विस्तार से बताया कि कैसे भाई कन्हैया जी ने जात पात की परवाह न करते हुए लोगों की बढ़ चढ़ कर सेवा की। स्टेट फंक्शन है जी, अब राजपंच फंक्शन भाई कन्हैया जी की याद में और इस याद में सारे इकट्ठे हुए हैं, उनकी बड़ी सेवा जी है कन्हैया जी रही है, उन्होंने सारा फंक्शन रखा है। और कुछ संदेश देना चाहते हो जी? मैं सारे साथियों वालों मुख्यमंत्री साहब वालों सारे बड़ा असं शुभ संदेश देने हैं, परमात्मा साहब अच्छिया खुशियां दवे और अच्छे खुशहाली वाले दिन दिखावे। सरदार हरदयाल सिंह कंबोज उन्हों की हिम्मत सदका और मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने पत्र लिखा, भाई कन्हैया जी का जोड़ा स्टेट फंक्शन से अज इतने मनाया गया है। मैं अज की इस दिहाड़े से सारे लोगों पंजाब के लोगों जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा लोग ने भाई कन्हैया जी की सोच के पिता देंदे उन्होंने लख लख बधाई पेश करता हाँ और अरदास करदा परमात्मा अगे कि भाई कन्हैया जी की रूह माड़ी माड़ी सारे ही दौड़ जाए, लड़ाइया लड़ूइया सारिया खत्म हो जाए, एक दूजे का असी भला कर सकी, ता ही देश तरक्की कर सकता। सर एक मिनट सर किसानों की धर पकड़ हो रही है तो कल मोहाली तो भी किसानों को हटाया गया, सर वो संबंधी देखो जो लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बिगड़ती हो फिर जेडे उसनों कंट्रोल करते ने उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी जी दिल्ली से एजीटेशन कर रही है, कांग्रेस पार्टी जी इलेक्शन जितने हो रही है उसे बंदे नजायज परचे करा रही है। मैं कहना बादल साहब न तो उम्मीद संघ आनी चाहिए है, जिन्हें 10 साल पंजाब में लुटिया कुटिया, मैं सब पता नहीं किन्ने किसान मरे उन्होंने टाइम च, किन्ने लोगों धक्का होया, किन्ने कारोबारी उजड़े, उन्होंने तो उ नहीं बोलना चाहिए यार, उन्होंने देखो सियाने बंदे ने उन्होंने जमे नहीं बोलना चाहिए। सर एक क्वेश्चन सर, अभी अभी आपने भाषण में कहा कि राजनीति को धर्म का इशारा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने थोड़ी दिन पहले बयान आया था, धर्म का जो सहारा लेते हैं वो देश के विधान के उल्ट भी है, हमारे गुरुओं पीरों के भी। नहीं सर, आपका बयान आया, मेरा बयान आया, जो कहना चाहते हो मैं कहता। सर मुझे पूछा गया था क्या आप सिरसा वाले डेरे में वोट मांगने के लिए गए था, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं गया था पर लेकिन हमें वोट दी नहीं दी, उनकी मर्जी है, मैं नहीं सभी जाते हैं, मैंने कह दिया गया था, कई लोग नहीं कहते हैं, आगे भी जाता रहूंगा। सर एक पास मैं गया था। इस अवसर पर मुख्य मेहमानों की ओर से कई समाज सेवी संस्थाओं को चलाने वाले लोगों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया व उनकी हौसला अफजाई की गयी।
इस मौके पर राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व हल्का घनौर के विधायक श्री मदन लाल जलालपुर की ओर से दोनों कैबिनेट मंत्री साहबान को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजपुरा से ब्यूरो चीफ हरनेक हैरी की रिपोर्ट, न्यूज 18। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।